आज पूरा देश मना रहा है बाल दिवस। आपको अपडेट दे देते हैं कि बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा चलाएंगे 200 बच्चे और बाल सत्र के चीफ गेस्ट होंगे ओम बिरला। राजस्थान विधानसभा में बच्चों का ये विशेष सत्र बुलाया गया है और आज खासकर बाल दिवस के मौके पर पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं, जिनमें से 200 बच्चे ऐसे हैं जो बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा चलाएंगे। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आज बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की तारीख आज है, लेकिन राजस्थान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन उसमें बच्चे पहुंचेंगे और आज के दिन खास तौर पर ओम बिरला विशेष गेस्ट रहेंगे। बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा में 200 बच्चे पहुंचेंगे और विधानसभा को चलाया जाएगा। एक दिन का सत्र बुलाया गया है, चीफ गेस्ट रखा गया है ओम बिरला को। बहुत अच्छी खबर एक तरीके से आप कह सकते हैं क्योंकि 14 नवंबर खासतौर पर, क्योंकि अगर बात करें नेहरू की तो नेहरू को बहुत प्यार था बच्चों से और 14 तारीख को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी आया है और वो ट्वीट करके इस पर बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन आज खास तस्वीर आपको राजस्थान से देखने को मिलेगी जहां विधानसभा में बच्चों का विशेष बाल सत्र होगा। ये शायद ही पहली कोई तस्वीर ऐसी निकल कर आई हो। बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेहरू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आज के दिन पूरे धूमधाम के साथ चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और खासकर राजस्थान में ये एक अलग तरीके से मनाया जा रहा है, इसलिए आज के विधानसभा में बच्चों का विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बधाई भी दे रहे हैं और नेहरू को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं आज के दिन, और जब बाल दिवस पर एक खूबसूरत तस्वीर आएगी बखूबी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन ये फैसला लिया गया है राजस्थान की सरकार की तरफ से कि जो पंजाब खासतौर पर जो राजस्थान का विधानसभा सत्र बुलाया गया है वो बच्चों के लिए है और 200 बच्चे तकरीबन वहां पर पहुंचेंगे, विधानसभा चलेगी और गेस्ट के तौर पर ओम बिरला ही रहेंगे जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, उनको गेस्ट रखा गया है। और राजस्थान विधानसभा की जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है तो बच्चे चलाते हुए नजर आएंगे। 14 तारीख विशेष अहम तारीख है, जब 14 तारीख को हम देखते हैं कि हाँ बच्चों की तस्वीर तो नज़र आती है, लेकिन ये तस्वीर बेहद खास होगी क्योंकि विधानसभा के अंदर 200 बच्चों की मौजूदगी होगी और ये तस्वीर लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगी कि कैसे आखिर बच्चे विधानसभा को चलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आ गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन, ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट करके